हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं अपने देसी रसोई में, जो कि पुराने ज़माने में जो रसोई हुआ करती थी। और आज हम यहाँ पर पकौड़े बना रहे हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि ये हमने मिक्स कर दिया है, आलू इसमें, प्याज इसमें, बेसन इसमें, सब कुछ इसमें मिक्स हो गया है। और ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर तेल लग गया है गर्म होने। तो ये तोता मार्क तेल हमारा गर्म हो रहा है। और ये देखो आग किस तरह से हम आज इस चूल्हे में पकौड़े बनाएंगे। ये ढलान है इसको, जिसमें इसको ढलान कहा जाता है, जिसको जिसमें कि आप देख रहे हैं ये कढ़ाई है ना, इसमें ये लगी हुई है कढ़ाई। ये हमने देसी जुगाड़, आज पुराने ज़माने का जो जुगाड़ होते हैं ये अपनाया है। तो आज हम आपको दिखाएंगे पकौड़े कैसे बनेंगे हमारे। तो अभी हम पकौड़े बनाएंगे, अभी तेल गर्म हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और साथ साथ हमारे 5 मिनट का भी यहाँ पर मंदिर है। तो हमने यहाँ से जो अपना किचन है वो चेंज कर दिया है, वो हमने ग्राउंड फ्लोर पे ले गए हैं। और इस साथ ही साथ यहाँ पर बहुत सारा सामान भी रखा हुआ है। तो हम पकौड़े बनाएंगे। तो गाइस, ये आप देख सकते हैं हमारी आग थोड़ी सी धीमी हो गई है, जिससे कि हमारा तेल पकने में, जो तेल गर्म हो रहा है इसमें टाइम लग रहा है। और साथ ही साथ हमने लाइट बुझा ली है, और ये हमने खो दिया है, ये हवादार होता है और यहाँ से धुआं ऊपर जाएगा, ताकि यहाँ पर धुआं ना फैले। तो साइड में भी एक इसी तरह की रसोई है, हुआ करती थी, अब नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ से हम ऊपर भी घुस के आपको दिखा सकते हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से आपको पूरा व्यू दिखेगा। और ये देखो दूसरी तरफ ये रसोई, यहाँ पर रसोई यहाँ पर भी हुआ करती थी, लेकिन अब ये स्टोर रूम बन चुका है। तो यहाँ से अब रसोई काफ़ी टाइम हो गया है, काफ़ी साले हो गए शिफ्ट किए हुए। तो गाइस, ये पकौड़े बन रहे हैं, कजान आदमी यहाँ पर जिनको कि पकौड़े बनाने नहीं आते हैं, वो आज पकौड़े बना रहे हैं। तो पता नहीं कैसे एक्सपीरियंस। ये पकौड़े, आलू पकौड़ा तैयार हो रहा है हमारा गाइस, हल्के हल्के आपकी कुछ संचित डाल रहे हैं। गाइस, बेहतरीन पकौड़ा यहाँ पर बन रहा है। पकौड़ा इसको कहते हैं, पकौड़ा ये होता है आलू पकौड़ा, छोला पकौड़ा, लहसुन पकौड़ा, पकौड़ा ही प्याज पकौड़ा, पकौड़ा ही पकौड़ा, हर जगह पकौड़ा पकौड़ा। हटो कैमरामैन, हटो ये है पकौड़ा गाइस। ये पकौड़ा, ये आलू पकौड़ा है वैसे, लहसुन पकौड़ा, प्याज पकौड़ा, सब पकौड़ा बनता है। देखें ये पचरंगी पकौड़ा है। ओके, गाइस ये आप देख सकते हैं, पहले हमारे घोड़े की किस्म का बन गया है। बहुत ही अच्छे पकौड़े बन रहे हैं अभी। जो हलवाई के रूप में हमें संपर्क करना चाहते हैं, तो दिए गए पते पर ज़रूर आए। हलवाई के रूप में स्पेशल हम आपकी शादी ब्याह भंडारा जो भी हो, हम आपके वहाँ पकौड़े बनाने आएंगे। आपके वहाँ हम बेहतरीन पकौड़ा, जलेबी, बेसन, आपकी शादी को हम रूबरू करवाएंगे। आपके जो भी मेहमान होंगे वो उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। अब ये नया बिजनेस हम खोलने वाले हैं, इसलिए आजकल सीख रहे हैं, क्योंकि हम आजकल बेरोजगार हो गए, घर बैठे बेरोजगार आदमी। क्योंकि हमारे मेले भी आ रहे हैं, रानीकोट मेला, सिसनी मेला, तो वहाँ पर हम हलवाई की दुकान खोलेंगे और तगड़ा पैसा छापेंगे गाइस, मोटा पैसा। ये देखो, अगर ऐसे पकौड़े बने तो मोटा मोटे बिकेंगे हमारे पकौड़े, घोड़े गधे की तरह ये पकौड़े बन रहे हैं। इनके सिर और मुंड और टंगे और जांघें और हो रही है।
तो गाइस अभी हम देवता जी को छोड़ेंगे, उसके बाद हम इनको चखेंगे कि ये कैसे बने हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पांच वीर यहाँ पे, तो अब हम इनको चखेंगे कि अच्छे बने हैं या नहीं। तो गाइस एकदम टेस्टी बने हैं हमारे पकौड़े, एकदम बेहतरीन, जिसको कि ओपी बोल सकते हैं। लगता है हमारी हलवाई की दुकान पक्का चली। थैंक यू। छिली बटू पुराने जमाने का, ये छिली बटू देखिए बुजुर्गों की अमानत, आज बेघर हो गया इधर। इसको सारा नहीं, इसमें हम आज पकौड़े डालेंगे और इसको बेच के ऐसे ले जाएंगे। तो गाइस ये आप देख सकते हैं हमारे पकौड़े बनकर तैयार हो चुके हैं टोटली, और नीचे जो है चाय बन रही है और चाय के साथ अब हम इनको चखेंगे अच्छे से। ये देख सकते हैं किस तरह से हमने अपने पहले एक्सपीरियंस लिया पकौड़े बनाने का, ये देख लो बेहतरीन पकौड़े हमने बनाए हैं। ये देखो ये बहुत तरह के हमने जानवर की तस्वीरें इसमें दिख रही है। तो फाइनली ख़त्म हो गए पकौड़े बना के, अब चाय के साथ इनको चखेंगे। चाय बन रही है नीचे और साथ में आप ये देख सकते हैं ये जुगाड़, खतरनाक जुगाड़ यहाँ पर।